अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तैबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। इसके इब्तदाई सफ़हात के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आइए कामयाबी की एक और दास्तान नामुमकिन से मुमकिन के सफ़र में शामिल करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये किताब और इस जैसी बहुत सी किताबें जो हम आइंदा सफ़र में इंशाल्लाह शामिल करने वाले हैं आप वो सुन सकें और अपनी समातों का इस्तेमाल अच्छे अंदाज में कर सकें। आइए शुरू करते हैं। मुनीबा मज़ारी, पाकिस्तान की उस बहादुर बेटी की कहानी जिसे ज़िंदगी के हादसों ने जीना सिखा दिया। मुनीबा को पाकिस्तान की आयरन खातून के तौर पर जाना जाता है। बुलंद हौसला, मुस्कुराता चेहरा और चमकती आंखें उनकी जिंदा दिली की पहचान हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान के बेशुमार लोगों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। वो लोग जो हमेशा से घबरा जाते हैं, ज़िंदगी के हादसात उन जिनके हौसले पस्त कर देते हैं और वो हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुनीबा मज़ारी जिंदा मिसाल की हैसियत रखती हैं। उनकी कामयाब ज़िंदगी ये साबित करती है कि रुकावटें, मुश्किलात, हदबंदियाँ और हादसा सिर्फ वक्ती चीज़ें हैं। अगर हम उन्हें दिमाग पर सवार करके बैठ जाएं, तो ये हमें मंजिल से दूर कर देते हैं। इस दुनिया में हमारी दिमागी हदबंदी के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो हमें कामयाबी से रोक सके, लिहाजा इन चीज़ों को दिमाग पर सवार करने के बजाय अपने जुनून और अपने मकसद को बुरे कार लाएं। मुनीबा मज़ारी 1987 को एक बलोच फैमिली के यहाँ पैदा हुई। मुनीबा ने आम लड़कियों की तरह परवरिश पाई और फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। 20 साल तक एक आम सी ज़िंदगी गुजारने वाली ये लड़की अचानक हादसे का शिकार हो जाती है और इसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन और पुरदर्द दौर शुरू का आगाज़ होता है। लेकिन कुदरत इसे तकलीफ़ के साथ बुलंद तर हौसले की नेमत भी नवाज देती है। हादसात हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। मुनीबा की ज़िंदगी भी एक ऐसे ही हादसे ने बदली। मुनीबा रहीम या खान से वापसी के लिए सफ़र कर रही थी। वो भी आम दिनों जैसा एक दिन था। 20 साल मुनीबा अपनी आंखों में ख्वाब सजाए, खुशी से निहाल अपने घर की तरफ रवान दवां थी। उड़ते परिंदे, गुरूब होता सूरज उसके सफ़र को मज़ीद पुरकैफ बना रहे थे। ड्राइवर की ज़रा सी गफलत से उसकी गाड़ी हादसे के शिकार होती है और खाई में जा गिरती है। इस तरह अचानक एक खूबसूरत ज़िंदगी अचानक दर्द, तकलीफ़ और मुस्तकिल इम्तिहान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बहुत सी चोटें आईं, मगर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोट रीढ़ की हड्डी टूटना था। वो भी एक ऐसी जगह जहाँ उनको एम्बुलेंस की सहूलत भी मुयसर नहीं आ सकती थी, लिहाजा टूटी रीढ़ की हड्डी के साथ उन्हें जीप में डाल कर ले जाया गया। मुनीबा को जब होश आता है तो शदीद तकलीफ़, टूटी हड्डियाँ और बेहिस टांगें उसे क़यामत का एहसास दिलाती हैं। उसी हालत में उसे करीबी अस्पताल पहुँचाया जाता है। अजियत से भरपूर एक नए सफ़र का आगाज़ होता है। आप ज़रा तसव्वुर करें, आपके पास दुनिया भर की सहूलतें हों, आपको रहने के लिए शाही कमरा दे दिया जाए, तो आप कितने दिन उस बेड पर गुजार सकते हैं? एक हफ्ता, एक माह, दो माह। मुनीबा इस हालत में 700 से ज़ायद दिन हस्पताल के बेड पर गुजारती है। उनके 5 ऑपरेशन हुए और आज उनका आधा जिस्म मफलूज है। इस हादसे के बाद वो अपनी दोनों टांगों के इस्तेमाल की कुव्वत खो बैठी थी। ऐसे में उन्हें भी बेशुमार ख्याल आते हैं, वो भी अपना माजी खंगालती हैं। एक चीख हर रोज़ उनके अंदर भी उठती है कि क्यों आखिर मेरे साथ थी, क्यों? बड़े बड़े लोग ऐसे मौक़ों पर हौसला छोड़ देते हैं। ज़िंदगी बोझ महसूस होती है, इंसान पागल होने लगता है और सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। मायूसी उसका ओढ़ना होती है और वह ख़ुद को दुनिया का मज़लूम फ़र्द महसूस करने लगता है। 20 साल की उम्र में तो अभी इंसान ने दुनिया से सीखना शुरू किया होता है।
अभी तो उसने ठीक से तजर्बात के समंदर में भी कदम भी नहीं रखा होता, जबकि बड़े 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 तजर्बाकार ऐसे मौक़ों पर दिल छोड़ देते हैं। वो भी अपने बेड पर तकिए में मुँह छुपा के रोती सिसकती कि वो ये सब आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी। लोगों के तंजिया फिक्रे उसके दिल में तीर की तरह लगते। लोग उसकी हालत देखकर कानों को हाथ लगाकर तौबा करते तो वो हैरान रह जाती। फिर कभी तर्स खाते अल्फाज हाय बेचारी को नज़र लग गए सुनकर उसका पूरा जिस्म कांप जाता। लेकिन इन सब के बावजूद ये बुलंद हिम्मत लड़की मजलूम बनने के बजाय मिसाल बनने का फ़ैसला करती है। ज़मीन पर रेंगने के बजाय आसमानों पर उड़ने और ज़िंदगी की हर मुश्किल को मुस्कुराहट के साथ खुशामदीद कहने का फ़ैसला करती है। खुद तरसी के बजाय खुद यकीनी का फ़ैसला, आगे बढ़ने का अज़म और कुछ कर गुज़रने का अज़म और इस ज़िंदगी के दोबारा मिलने और इसका कर्ज़ उतारने का अज़म। मुनीबा ने दूसरों की तरह हिम्मत ना छोड़ी और लिहाफ में लेट कर रोने से मेहनत करने को बेहतर जाना। उनके बकौल ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मामलात आते हैं जब आप सोचते हैं कि ज़िंदगी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन फिर आप महसूस करते हैं कि आप कितने खुशनसीब भी हैं। जितना ज़्यादा आप अंदर से टूटते हैं उतना ही आप दिल और दिमाग के एतबार से मज़बूत हो जाते हैं। वो फिर से भरपूर जी लेने के अज़म को अपने अस्पताल के बेड से शुरू करती है और सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती निखारने के लिए पेंटिंग का आगाज़ करती है। 2 साल की तकलीफ दे क्याम के बाद जब वो इस अस्पताल से रुखसत होती है तो एक और साथी व्हीलचेयर की शक्ल में उसकी हम सफ़र है, हमेशा की हम सफ़र। अक्सर आप बुरी से बुरी सूरत हाल के साथ लड़ने को तैयार हो जाएं तो ऐसे में अगर आपको किसी अपने का भरपूर साथ भी मुयस्सर आ जाए तो मुश्किलात कम होती चली जाती हैं। और मुश्किल हालात में अपनों का साथ बहुत बड़ी नेमत है जो आपका हौसला टूटने नहीं देता। लेकिन किस्मत ने अब इस हीरे को मज़ीद तराशना था। 20 साल की उम्र में जब मुनीबा जिंदा दिली के साथ जीने का अज़म कर लेती है, ज़िंदगी उसे दुख और हैरत का एक और झटका देती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे करीबी साथी, उसका हम सफ़र, उसे माजूर समझते हुए तलाक दे देता है। लेकिन ये हादसा दोबारा उसका हौसला पस्त करने और मायूसी के गिरदाब में फंसाने में नाकाम रहा। वो जीना चाहती है और इस मुश्किल वक्त में अपने वालिद की तरफ देखती है, लेकिन एक और हैरानी से भरपूर दुख उसका मुंतज़िर है। उसके वालिद भी इस तकलीफ के वक्त में उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। ज़िंदगी के मुश्किल तरीन 2 साल अस्पताल में और उसके बाद अपनों के ऐसे बेगाने चेहरे, वो हैरान है कि ज़िंदगी आखिर उससे क्या चाहती है। आप में हौसला हो तो उम्मीद की सारी किरणें कभी ख़त्म नहीं होती। उसकी वालदा, भाई और डॉक्टर उसकी हौसला अफज़ाई करते हैं। हादसे के बाद मुनीबा के दिल में अपनी मदद आपका जज्बा बेदार हुआ। मुनीबा को एहसास था कि और भी लोग उसके साथ इसी मुस्कान से जीते हैं। वो काम करने का फ़ैसला करती है और सबसे पहले उन्हें एक राइटर की नौकरी इंटरनेट के ज़रिए मिलती है, जिससे उनके रोज़गार का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर एक दिन टीवी पर इश्तहार देखती है कि अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो आपके बच्चे भी मौजूर हो जाएंगे। इस ऐड ने मुनीबा के अंदर तक वार किया। तभी मुनीबा ने इरादा किया कि मैं इस सोच को बदलूँगी और उन्होंने ये पैगाम दिया कि तुम जहाँ भी हो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम हर मकाम पर और हर हालत में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मेरा आधा जिस्म काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मेरे बाजू हैं, आंखें हैं, दिमाग है, सोच सकती हूँ। मैं क्यों एक बेबसी की तस्वीर बनूँ, मुझे एक मिसाल कायम करनी है कि जो लोग महरूम हैं वो लाचारी और बेबसी पर मेहनत को तरजीह दें। वो कहती हैं अगर आप उदास ना हो, हर वक्त शिकवा शिकायत ना करें तो लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे, आपके करीब रहना पसंद करेंगे, अपना रोना और दुख अल्लाह के लिए बचा कर रखें। वो कहती हैं काम करने वालों के पास तो बहानों के लिए वक्त ही नहीं होता, आप अल्लाह की ज़ात पर हर हाल में कामिल यकीन रखें क्योंकि रोज़ी रसा तो वो है, यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मुनीबा का एक कॉल है, ज़िंदगी मेरे हाथ में है, जैसी है मुझे गुजारनी है, मुझे किसी मौजज़े का इंतज़ार नहीं करना,
कि मैं किसी दिन चल सकूँगी, मुझे मज़बूत बनना है। हमारे ये बहाने बिल्कुल अहमकाना हैं, यहाँ कुछ कर नहीं सकते, कोई करने नहीं देगा। आप अंदाज़ा करें कि अस्पताल के बेड पर काम शुरू करती है, उसकी सारी पेटिक्स गवर्नर पंजाब ख़रीद लेता है और उसके हौसले मज़ीद बुलंद मजबूत होने लगते हैं। वो अपनी तकलीफ़ों का इल्ज़ाम हालात या किसी भी और को देने के बजाय दूसरों के काम आने और उनके हौसले बढ़ाने का फ़ैसला करती है। वो सेहतमंद इंसानों की तरह चल फिर नहीं सकती, लेकिन जिस्मानी तौर पर सेहतमंद इंसानों से कहीं बढ़कर मस्बत अंदाज का की सोच रखती है। वो कहती है कि पाकिस्तान में मसाइल तो हैं और उनके हल के लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन जिस दिन हमने दूसरे इंसानों को अपने जैसा इंसान समझना शुरू कर दिया, हमारे माशरे के तमाम मसाइल खुद ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारी दुनिया रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाएगी। मुनीबा ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी के झंडे गाड़ने में कामयाब हो रही हैं। वो एक जगह कहती हैं कि ज़िंदगी में मुझे दो तीन तरह के लोग मिले हैं, एक वो जिन्होंने मुझे व्हीलचेयर पर देखा और मेरा मज़ीद साथ देने से इनकार कर दिया और मेरी ज़िंदगी से चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो दिखावे के साथी थे, वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थे। आखिरी तरह के लोग वो थे जो बग़ैर कुछ बोले, बग़ैर शोर डाले मेरे साथ खड़े रहे। आखिर वो सारी मुश्किलात झेल कर एक बेहतरीन आर्टिस्ट, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, समाजी कारकुन, टीवी एंकर, एक खूबसूरत रोल मॉडल और नगमा निगार हैं। वो एक अच्छी लिखारी और एक आला मुसव्वरा के तौर पर भी जानी जाती हैं। मुनीबा मिजारी अपने हर काम में आला महारत रखती है। मुनीबा ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली व्हील चेयर मॉडल हैं बल्कि मारूफ ब्रांड बॉडी शॉप की ब्रांड एम्बेसड भी हैं। वो गुलकारी भी करती हैं। इसके अलावा वो एक ऐसे स्कूल के साथ भी काम कर रही हैं जो ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम देता है। मुनीबा कई सामाजिक कामों में हिस्सा लेती हैं। उनका नाम फोर्ब्स मैगज़ीन की सन 2016 की 30 साल से कम उम्र अहम तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन ने गुज़िश्ता वर्ष दिसंबर में मुनीबा को खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया। वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ। मुनीबा की कहानी हमें सबक देती है कि अगर वो मज़दूरी के बावजूद अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकती हैं तो काबिले रहम बनने के बजाय रोशन मिसाल बन सकती हैं। तो आप में हम में से हर एक कामयाबी का तलबगार है, मगर हमारे बहाने हमें आगे बढ़ने नहीं देते। मुनीबा इन सब के लिए एक रोशन मिसाल है। आप जैसे भी हालात में हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। दुनिया भर में हमें किस्मत का शिकवा करने और रंग रंग के बहाने तराशने वाले अक्सरियत में मिलते हैं। मुनीबा ऐसा लोगों के लिए कहती है कि अगर कुछ करना चाहो तो पहले ख़ुद को पहचानो। अगर आप सोच रहे हैं तो कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ तो आप गलत रास्ते पर हैं। वो आप देखने तो हर फर्द को आते हैं। क्या आप अपने अंदर इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला और मुस्तकिल मिजाजी का जज्बा रखते हैं? आप हालात का रोना तो नहीं रोते तो आप कामयाब हो सकते हैं। हमारे गिरदोनिवा में अक्सरियत अपनी ज़िंदगी के मकासद से गाफिल नज़र आती है। किसी को मालूम नहीं कि वो क्या कर सकता है, उसे करना क्या चाहिए। आप देखें आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज़ का है। हमारी नौजवान अक्सरियत में वो काम करते हैं जो वो करना नहीं चाहते। वो ऐसी तालीम हासिल करने में लगे हैं जिनका उन्हें शौक़ ही नहीं। तालिबे इल्मों से यही गुजारिश है कि ख़ुद को पहचानें। ज़िंदगी के हादसों का शिकार हर इंसान के लिए मुनीबा एक उम्मीद की किरण है, लेकिन एक रोल मॉडल है। मुनीबा मिजारी की ज़िंदगी से मैंने सीखा है कि कामयाबी एक नज़रिया और सोच का नाम है। अगर आप ठान लें कि आपने गुमनाम नहीं मनना तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको गुमनाम नहीं कर सकती। आपकी सोच और जज्बे की को कोई तकलीफ़ और हादसा शिकस्त नहीं दे सकता। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये किताब मुकम्मल आप सुन सकें और कामयाबी के सफ़र को आज से अभी से शुरू कर सकें। शुक्रिया।